शासन द्वारा लगाए गए 2 दिवसीय आंशिक कर्फ्यू का एसपी सिटी ने कड़ाई से पालन कराया तथा चेकिंग करके बेवजह घूमने वालों को हिदायत दी। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसको रोकने के लिए जनता के सहयोग की जरूरत है। एसपी सिटी ने कहा, मंगलवार को काफी भीड़ की वजह से चेकिंग किया जा रहा है तथा 41 जगहों पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया है। पुलिस हर चेकिंग पॉइंट पर लोगों से पूछताछ करके अनावश्यक घर से निकल रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है और जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर सीओ कैंपियरगंज एएसपी राहुल भाटी, जटेपुर चौकी इंचार्ज इत्यानंद पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये देखिए कोरोना का प्रकोप जो है इस बार आप सबको मालूम है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जनता का भी सहयोग रहा है, पर आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा दिख रही थी तो हमने हर जगह चेकिंग पॉइंट का एक्टिवेट दोबारा किया। 41 जगह पर चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं और पुलिसकर्मी वहाँ पर लोगों से टोकाटाकी कर रहे हैं। जो बिना मतलब घर से निकल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जो मास्क नहीं पहन रहे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। 188 धारा और महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे भी लिखे जाएंगे। इसलिए मैं जनता से अपील है कि स्थिति ना आए, स्वयं लॉकडाउन का पालन करें और अगर बहुत ही अति आवश्यक कार्य है तभी बाहर निकले। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज अलाउ किए जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं अपना उनको अलाउ किया जा रहा है, बाकी सब अपने घरों में ही रहें और अपने आप को बचाएं और अपने समाज को भी बचाएं।